यार मेरे ड्राई हेयर कितने ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं यार, सीरियसली। मतलब जैसा मेरे बालों में जब से मैंने कलर करवाया था इतना ड्राई ड्राई सा फील हो रहा था, बट जब से मैंने ये वाला हेयर ऑयल यूज़ किया है यार लिटरली ना बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ और शाइनी हो गया। पता नहीं आपको कैमरे में शो हो रहा है या नहीं, बट गाइस सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मुझे इसको ना लगाने से अच्छी वाली वाइब आ रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट से। और जैसा कि अभी मैंने प्रॉपर कॉम भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ देखो मैंने हाथ से, और देखो इतने ही ज़्यादा ना सिल्की और स्मूथ हो रखे हैं ना कि ईजिली आपके फिंगर से ही आपका आपका हेयर स्टाइल हो जा रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लॉसी चैप्टर। मैं हूं कविता। तो आज मैं बात करने वाली हूं वाओ स्किन साइंस के ऑलमंड ऑयल के बारे में। गाइस पता है मेरे बालों के जो स्कैल्प है ना वो काफ़ी ड्राई हो रखी थी, वहाँ डैंड्रफ हो गया था जिसकी वजह से ना ड्राइनेस हो गई थी और ना हेयर फॉल बहुत हो रहा था, इचिंग होती थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने वाओ ऑलमंड हेयर ऑयल यूज़ किया, इसने इतना अच्छा इफेक्ट किया मेरे बालों में, इतना अच्छा इफेक्ट किया ना कि मतलब लिटरली मैंने इसको अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, 20 डेज से मैं इसको लगातार यूज़ कर रही हूँ ट्वाइस अ डे। और मुझे जो मैंने हेयर कलर करवाया था ना जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और बहुत ड्राई लगते थे मुझे देखने में भी और इवन छूने में भी, बट अभी ना स्मूद और शाइनी मुझे लग रहा है। अगर मैं इस वाओ स्किन साइंस ऑलमंड हेयर ऑयल की इनर पैकेजिंग की बात करूँ तो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, प्लास्टिक का बॉटल है, मुझे बहुत ट्रैवल फ्रेंडली भी लगा। इसमें पंप दिया हुआ है जिससे ना लगाने में बहुत आसानी होती है। मतलब मैं वैसे जो भी ऑयल यूज़ करती हूँ या तो मैंने हाथ से लेना होता है या मैं किसी कटोरी वगैरह में निकाल के फिर मैं ऐसे ऐसे लगाती हूँ, बट इसको लगाना मुझे इतना ईजी लगता है ना क्योंकि आप ईजी इसको इसके ना पंप के थ्रू ऐसे करके इस तरीके से आप अपने बालों में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो हेयर ऑयल है ये बहुत ही नेचुरल है और ड्राई स्कैल्प और इचिंग स्कैल्प और जितनी भी बालों की ड्राइनेस, हेयर फॉल, इस तरह के जितने भी इश्यूज है ना, इसको आप 1 से 2 बार यूज़ करोगे ना रिजल्ट गाइस लिटरली आपको खुद दिखाई दे जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि नॉन स्टिक हेयर ऑयल है ये, तो ये लगाने में थोड़ी इरिटेशन ही होती क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आपको ऐसा कुछ ऑयल होता है आप लगाते हो बहुत चिपचिपाहट फील होती है तो आपको थोड़ी सी इरिटेशन होती है, बट ये इतना लाइट वेट है कि आप इसको ईजिली अप्लाई कर लो, इवन आपको पता भी नहीं चलता। मैं क्या करती हूँ, जब मैं हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ तो मैं हेयर वॉश करने के 1-2 घंटे पहले ही अप्लाई करती हूँ, देन मैं 1-2 घंटे बाद वॉश कर देती हूँ। बट विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स में ड्राई स्कैल्प का इशू होता ही है, तो अभी क्या करती हूँ एक वॉश करने के 1 दिन पहले रात में लगा लेती हूँ और उसके बाद में मॉर्निंग में हेयर वॉश कर देती हूँ। और इसके बाद ना बाल में ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं कंडीशनर जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो अगर आप इसको यूज़ करने के बाद हेयर वॉश करेंगे और शैम्पू करने के बाद अगर आप कंडीशनर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि तो भी ना बाल बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा रफ लगेंगे ही नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कंडीशनर यूज़ नहीं किया। देखो जैसा कि मेरे बाल हैं, मैंने आज ही इसको हेयर वॉश किया है और मैंने इस वाले ऑयल को अप्लाई किया था और मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ना मैंने कंडीशनर नहीं किया है, बहुत ड्राई है, उलझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस मामले में ये बहुत अच्छा लगा। और इसमें पता है वाओ स्किन साइंस की मुझे सबसे अच्छी बात ये क्या लगी कि इसमें ना एक QR कोड दिया होता है इस तरीके का, तो आप ना इस QR कोड को आराम से अपने फ़ोन से स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी ना चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, कैसा है, कैसा वर्क करता है। स्किन साइंस का मुझे ये वाला फड्डा बहुत ही सही लगा कि भाई आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप स्कैन कर लो और आप चेक कर लो। और मैं अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसके इंग्रेडिएंट जो हैं उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर सीड्स ऑयल, स्वीट ऑलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, मेरिकन ऑर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल और इस तरीके के कई सारे नेचुरल ऑयल से मिलकर ये ऑलमंड ऑयल तैयार हुआ है और मुझे गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप भी ना विंटर में इन सारी समस्याओं से परेशान हैं तो आप इसको साइंस के ऐप में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसको अप्लाई कैसे करना है तो मैं आपको ना शो कर देती हूँ कि इसको आप अपने बालों में कैसे लगा सकते हो। तो मैं जैसे करती हूँ आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो एक तरीका इसका मुझे ये भी समटाइम्स ठीक लगता है, जैसे आपने हाथ में निकाल लिया और इसको ऐसे करते हैं और इसके ना स्कैल्प में ऐसे।
ऐसे करके अच्छे से बालों में लगा लिया। इससे भी आप बालों में बहुत अच्छे से लग जाता है। और एक इसका दूसरा तरीका, आपको बहुत अच्छे से चाहिए तो आप अपने बालों को ऐसे पार्टीशन करके इसको स्प्रे कर देते हैं, कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इस तरीके से ऐसे करके आप अपने बालों में इसको लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे एक घंटे के लिए वॉश करने के पहले छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको लगा के आराम से रात भर रख सकते हैं और उसके बाद आप उसको मॉर्निंग में वॉश कर सकते हैं। गाइस देखो इतना लाइट तेल है यार, मतलब मुझे बड़ा सही लगा है। तो आप इसको ऐसे ऐसे लगा सकते हैं और अपने बालों की ड्राइनेस को, इचिंग को और जितनी भी तमाम समस्याएं उनको खत्म कर सकते हैं विवाओ नेचुरली। वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।